एक समय की बात है, किसी जंगल से होकर रामू गुजर रहा था। उसी में टोनी चिड़िया और मोनी चिड़िया और चिड़िया रानी आ गई। वो जादुई चिड़िया तीनों लोग रामू को साथ देने के लिए बोलती है, अरे रामू रामू तुम बहुत गरीब हो, क्या बात है। तो रामू बोलता है, ठीक है चिड़िया रानी, एक बहु बताओ, कोई उपाय बताओ कि मैं अमीर बन जाऊँ। तो रामू चिड़िया और टोनी चिड़िया और मोनी चिड़िया बोलती है, ठीक है तुमको उपाय बताता हूँ, लेकिन आपको मेहनत करना होगा रामू बाबू, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, वैसे नहीं बढ़ेंगे। मैं रामू चिड़िया रानू चिड़िया और टोनी चिड़िया और मोनी चिड़िया बोलती, ठीक है तुमको चलो हम जादू एक चीज दिखाते हैं। उसके रामू पीछे पीछे चल देता और बोलता है, भगवान हम भी कुछ आदमी बन जाते हैं तो कुछ अपने मेहनत करके अपने घर परिवार बाल बच्चे को खिलाते और हम भी कुछ नाम कमाते, उसके लिए चलो चिड़िया के सब कुछ तो राय लिया जाए। उसके पीछे पीछे चल देता और रानू चिड़िया टोनी चिड़िया मोनी चिड़िया चल चलो चलो मैं जादू चीज़ दिखाता हूँ, अपने साथ लेकर जंगल में लेकर चल देती है। उसके बाद रामू सासा चल देता है, अरे रामू रामू चलो चलो मेरी माँ बहुत अच्छा उपदेश देती है, एक कथा सुनाती है कि चलो आपको आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा। उसके बाद चिड़िया रानी मोनी टोनी रामू सासा माँ की कथा सुनने के लिए और उसे आगे बढ़ने के लिए उपाय के लिए चल देते हैं। जंगल से होकर घूमते मौज मस्ती करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए रामू बोलता है, अरे टोनी चिड़िया मोनी चिड़िया ठीक है हम लोग चलते हैं, उसके बाद हम संघर्ष करके आगे बढ़ेंगे। रानी चिड़िया बोलती, देखो देखो भाई, हर इंसान को तपस्या और संघर्ष करना चाहिए तभी आगे बढ़ सकता है, संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष करना चाहिए आगे आगे बढ़ने के लिए, हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। गरीबी दूर करने के लिए इंसान गरीब होता नहीं, गरीब पैदा होता, लेकिन गरीब मर पैदा होकर मरना सबसे बड़ी गुनाह है। इसके लिए तुम हमेशा परिश्रम करो, मेहनत करो, लालच वाला सब छोड़ो, ईमानदारी से कमाओ, तुम आगे बढ़ जाओगे और अच्छे से कमाओ खासोगे। इसीलिए इस कहानी से सीख मिलती है, अच्छे बच्चे लोग को संघर्ष करना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए परिश्रम करना चाहिए। कहानी से सीख मिलती है, अच्छे बच्चे लोग आगे बढ़ो, मेहनत करो, पढ़ो लिखो। ओके बच्चे, थैंक यू।